तो चलिए आज की क्लास में बेटा हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर प्रोबेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या अगर हम एप्टीट्यूड रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में बेटा प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा ज़रूर जाएगा, मिनिमम वन प्रॉब्लम तो पूछा ही जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, इसके नेम में ही क्या आता है बेटा, एबिलिटी। इसके नेम में ही क्या आ जाता है, एबिलिटी। इसके नेम में क्या आ रहा है बेटा, एबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी बहुत एबिलिटी होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोगों ने आज फिनिश किया है। आफ्टर दैट हम लोग प्रोबेबिलिटी पे मूव कर रहे हैं। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते थे बेटा, टोटल नंबर ऑफ वे निकालते थे। टोटल नंबर ऑफ वे, किसी काम को करने के कितने तरीके हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है बेटा, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल, या फेवरेबल नंबर ऑफ वे अपॉन टोटल वे, किसी काम को करने के टोटल मेथड। दैट मीन्स इट इज द रेशियो ऑफ जो आपके फेवरेबल केसेस है, जो आपके फेवरेबल केसेस हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, टोटल केसेस। दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी, दिस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आज देखेंगे बेटा, एकदम आराम आराम से आपको पढ़ाया जाएगा। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज ए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। जैसा यहाँ पे हमने लिखा है, प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर टू हाउ लाइकली इट इज फॉर एन इवेंट टू हैपन। प्रोबेबिलिटी इज ए मेजर टू हाउ लाइकली इट इज फॉर एन इवेंट टू हैपन। वी नेम ए प्रोबेबिलिटी विद ए नंबर फ्रॉम 0 to 1। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप कभी देखेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हुए, तो उसकी जो वैल्यू आती है, जो आंसर आप लोग कैलकुलेट करते हैं, वो 0 से लेके कहाँ तक होता है, 1 तक। तो कितना इजी हो जाता है बेटा कि 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा, तो हम इसको क्या इजिली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, इजिली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि ऐसा नहीं है अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखते होंगे। तो चलिए देखते हैं। कहता है, इफ एन इवेंट इज सर्टेन टू हैपन, अगर वो इवेंट होना ही होना है, सर्टेन टू हैपन, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 0, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 1। कहते हैं इफ एन इवेंट इज सर्टेन नॉट टू हैपन, सर्टेन नॉट टू हैपन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, 0। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कितनी होगी, 0। प्रोबेबिलिटी को हम लोग मैक्सिमम टाइम देखा है हमने परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम जैसे किसी का आपने प्रोबेबिलिटी निकाला, कितना आया बेटा, प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गया। प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। तो आप क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 50%। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, क्या आ जाएगा बेटा, 50%। ये भी हमारा क्या हो गया, एक प्रोबेबिलिटी हो गया। क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा, परसेंटेज में भी कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, परसेंटेज में कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, परसेंटेज में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गिवन है। टर्म्स सैंपल स्पेस, ध्यान से सुनिएगा। सैंपल स्पेस, पहले हम कुछ नोटेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ नोटेशन के बारे में देख लेते हैं। सैंपल स्पेस डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम टू अकर इन एनी ट्रायल, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम टू अकर इन एनी ट्रायल, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम टू अकर इन एनी ट्रायल, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम टू अकर इन एनी ट्रायल। एग्जाम्पल क्या है बेटा, टॉसिंग टॉसिंग ए क्वाइन, टॉसिंग ए क्वाइन, सैंपल स्पेस एस इज इक्वल टू क्या है, किसी भी क्वाइन को अगर हम टॉस करते हैं, किसी भी क्वाइन को क्या करते हैं बेटा, टॉस करते हैं, तो उसके सैंपल स्पेस, दैट मीन्स या तो उसमें हेड आएगा, या तो उसमें हेड आएगा बेटा, या तो हम टेल आएगा। ध्यान से समझिएगा, पहला टर्म हम लोग आज सीख रहे हैं बेटा, सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस होता क्या है। तो सैंपल स्पेस के बारे में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखा है, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम टू अकर इन एनी ट्रायल, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम टू अकर इन एनी ट्रायल, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम टू अकर इन एनी ट्रायल। एग्जाम्पल क्या है, टॉसिंग ए क्वाइन, टॉसिंग एग्जाम्पल क्या है, टॉसिंग ए क्वाइन, सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा बेटा उसका, या तो उसमें हेड आएगा, या तो क्या आएगा बेटा, टेल आएगा, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर आप फेयर क्वाइन है, फेयर क्वाइन को टॉस करते हैं, तो वहां पे दो ही पॉसिबिलिटी, या तो हेड आएगा बेटा और या क्या आएगा, टेल आएगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा बेटा, टेल आएगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा बेटा, टेल आएगा। सेकेंड हमारा जो टर्म्स आता है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, क्या आ जाएगा बेटा, एक्सपेरिमेंट और ट्रायल।
क्या कहते हैं डेफिनेशन, ए सीरीज ऑफ एक्शन वेयर द आउटकम आर ऑलवेज अनसर्टेन, ए सीरीज ऑफ एक्शन वेयर द आउटकम्स आर ऑलवेज अनसर्टेन, ए सीरीज ऑफ एक्शन, ए सीरीज ऑफ एक्शन वेयर द आउटकम आर ऑलवेज अनसर्टेन, ए सीरीज ऑफ एक्शन वेयर द आउटकम आर ऑलवेज अनसर्टेन। क्या है? द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, सेलेक्टिंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड, थ्रोइंग ए डाइस। देखिए ध्यान से, टॉसिंग द कॉइन, दिस इज द एक्सपेरिमेंट, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा वो अलग चीज है, आउटकम क्या होगा वो अलग चीज है। बेटा ध्यान से समझिएगा कि एक्सपेरिमेंट और ट्रायल क्या हो रहा है, कि हम किसी कॉइन को टॉस कर रहे हैं, किसी कॉइन को क्या कर रहे हैं बेटा, टॉस कर रहे हैं। द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, किसी कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं, या सेलेक्टिंग ए कार्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड, मतलब एक 52 पत्तों का कार्ड, कार्ड आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, 52 कार्ड्स होते हैं, उनमें से कोई एक कार्ड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उनमें से हम क्या कर रहे हैं, कोई एक कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, कोई कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। या तो कोई हम डाइस को थ्रो करते हैं, किसी भी डाइस को क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, किसी को भी डाइस को क्या करते हैं बेटा, थ्रो कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंट, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या ट्रायल कर रहे हैं। अब बात आता है इवेंट, इट इज अ सिंगल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, इट इज अ सिंगल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। जैसे इवेंट क्या हो गया, इट इज अ सिंगल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, गेटिंग ए हेड वाइल टॉसिंग ए क्वाइन इज एन इवेंट, गेटिंग ए हेड वाइल टॉसिंग ए क्वाइन इज एन इवेंट। अब आउटकम क्या होता है, व्हाट इज आउटकम, आउटकम कहता है पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द ट्रायल और एक्सपेरिमेंट, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए ट्रायल और एक्सपेरिमेंट। तो दैट मीन्स टेल इज ए पॉसिबल आउटकम व्हेन ए कॉइन इज टॉस, व्हेन ए कॉइन इज टॉस। ठीक है, जितना थ्योरी मैक्सिमम चीजें हम लोग यही यूज करने वाले, सैंपल स्पेस, एक्सपेरिमेंट या ट्रायल, इवेंट एंड आउटकम। तो बहुत ही सिंपल सिंपल, बहुत बेसिक, वेरी बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रॉबिलिटी, प्रॉबिलिटी दैट मीन्स क्या हो गया, इवेंट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल। जैसे अगर हम इस डाइस को ध्यान से देखिए, इस डाइस को हम थ्रो करते हैं, इस डाइस को हम थ्रो करते हैं, तो पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस अगर पूछा जाए आपसे, तो क्या क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर आ सकते हैं बेटा पॉसिबल आउटकम। तो ये क्या हो गया, टोटल आउटकम, ये क्या हो गया बेटा, टोटल आउटकम। अगर हम आपसे यहां से पूछें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी नंबर अपीयर हो किस पे, डाइस पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस, गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस, एक डाइस को हम थ्रो करते हैं, अब वो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दिस इज द सैंपल स्पेस हमारा आ गया। अब पॉसिबल आउटकम क्या क्या आएगा, टू पॉसिबल आउटकम तो सभी आ सकते हैं, लेकिन जो आपका इवेंट है वो इवेंट क्या क्या होगा, 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6, क्योंकि इवेंट नंबर क्या है बेटा, जो हमारा डाइस थ्रो किया जा रहा है, 2 4 एंड 6, तो 3 टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं जो आपको चाहिए, या आप यहाँ पे बोलिए फेवरेबल आउटकम, दिस इज नोन एज फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, 3। टोटल आउटकम कितना आएगा बेटा, 6, टोटल आउटकम यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2, प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, 1/2, किसका बेटा, इवन नंबर आने का, प्रोबेबिलिटी क्या आ गया बेटा, 1/2, किसका, इवन नंबर आने का। क्लियर, आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए यहां पे हमने वही किया है, विच साइड्स आर ग्रेटर देन 3, विच साइड्स आर ग्रेटर देन 3, तो क्या हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब जितने लोग नहीं समझ पाए थे प्रीवियस वाले, यहां पे समझ जाओगे आप लोग, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया बेटा, 3, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आ गया, 3 आ गया। फिर हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, कितने पॉसिबिलिटीज है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने बेटा, 6 है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने बेटा, यहाँ पे 6 है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने यहाँ पे, 6 है। अब आपसे क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो फेवरेबल कितना था, 3 था, टोटल कितना था, 6 था, तो 3/6 कितना आ गया, 1/2, परसेंटेज में चाहिए तो 50%। तो विच साइड्स इज ग्रेटर देन 3, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता है एक डाइस थ्रो करके, और उसके साइड्स में क्या पूछे कि ग्रेटर देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए, तो कितना आएगा, 50%, या आप बोल सकते हैं 1/2। क्लियर, आई होप कि थोड़ा बहुत यहां तक आप सभी को समझ में आया। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या आता है, कि अगर आपको सभी को इवेंट समझ में आ गया, तो अब यहाँ पे ये समझना है कि इवेंट के कितने टाइप होते हैं। हाँ, टाइप ऑफ इवेंट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंट इवेंट, फर्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंट इवेंट,
एंड सेकेंड वन इज द डिपेंडेंट इवेंट. फर्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंट इवेंट एंड सेकेंड वन इज द डिपेंडेंट इवेंट. फर्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंट इवेंट एंड सेकेंड वन इज द डिपेंडेंट. ध्यान से समझिएगा, वट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है, वट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट. तो इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट इवेंट आर इवेंट वेयर द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द अदर इवेंट. इंडिपेंडेंट इवेंट आर इवेंट वेयर द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द अदर इवेंट. एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है बेटा, एग्जाम्पल है टॉसिंग ए क्वाइन एंड रोलिंग ए नंबर क्यूब आर इंडिपेंडेंट इवेंट. मतलब एक क्वाइन टॉस किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक क्वाइन टॉस किया जा रहा है और एक हमारा डाइस को रोल किया जा रहा है. इन दोनों के आउटकम क्या है बेटा, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट. ऐसा नहीं है कि इस क्वाइन में अगर हेड आएगा, इस क्वाइन में क्या आएगा, हेड आएगा, तो ये इस बात की गारंटी नहीं देता है कि इस डाइस में क्या आएगा, टू आएगा. ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है. डाइस को थ्रो किया जा रहा है, उसके आउटकम कभी भी इफेक्ट नहीं करेंगे किसको, क्वाइन को जो टॉस किया जा रहा है. क्वाइन को टॉस किया जा रहा है वो कभी भी उसको इफेक्ट नहीं करेगा, कभी भी उसको क्या नहीं करेगा बेटा, इफेक्ट नहीं करेगा. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट आर इवेंट वेयर द आउटकम ऑफ वन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द अदर इवेंट. एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, टॉसिंग ए क्वाइन एंड रोलिंग ए नंबर क्यूब आर इंडिपेंडेंट इवेंट, आर इंडिपेंडेंट इवेंट. क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा. यहां पे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिपेंडेंट रिलेशनशिप, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ध्यान से समझिएगा, और डिपेंडेंट इवेंट इसका दूसरा नाम क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डिपेंडेंट रिलेशनशिप या इवेंट आप बोल सकते हैं. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो है इवेंट दैट हैव नो कॉमन आउटकम आर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ईच अदर, और ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ईच अदर, आर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ईच अदर. जैसे सपोज अगर हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं, एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड और टेल दोनों आने के चांसेस है, हेड एंड टेल. तो अगर क्वाइन में बेटा आउटकम में हेड आया तो हेड इस बात की गारंटी देगा कि टेल नहीं आया हो, टेल नहीं आया होगा, या टेल आ गया तो टेल इस बात की गारंटी देगा कि हेड नहीं आया होगा. क्या नहीं आया होगा बेटा, हेड नहीं आया होगा. हेड आ रहा है तो दैट मींस वो इस बात की गारंटी दे रहा है कि टेल नहीं आएगा, अगर टेल आया तो वो इस बात की गारंटी दे रहा है कि हेड नहीं आया होगा. क्लियर, तो दिस इज नोन एज डिपेंडेंट इवेंट. ये हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट इवेंट. यहाँ पे हमने आपको दोनों में डिफरेंस के बारे में लिखा है, इंडिपेंडेंट वर्सेस डिपेंडेंट. ये आप पीपीटी से पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ हमने नहीं दिया, बहुत सिंपल सिंपल चीजें आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया. चलिए अब हम लोग मूव करेंगे कॉन्सेप्ट पे. सबसे पहला हम लोग देखेंगे सैंपल स्पेस फॉर पेयर ऑफ डाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक भी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक भी करते हैं. ध्यान से समझिए, सैंपल स्पेस फॉर पेयर ऑफ डाइस, सैंपल स्पेस फॉर पेयर ऑफ डाइस, ध्यान से देखिएगा. एक डाइस है कि मान लेते हैं डाइस वन का सैंपल स्पेस, ये डाइस टू का. यहाँ पे वन आ सकता है, डाइस वन में क्या आ गया बेटा, वन आ गया. डाइस टू में वन आ गया तो पेयर क्या बन गया, वन एंड वन का. डाइस वन में वन ही रहा और यहाँ पे टू आ गया, यहाँ पे क्या आया, टू आया. तो ये देखिए टोटल जो पॉसिबल आउटकम है, सैंपल स्पेस है, वो कितना है बेटा, 36 है. टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं बेटा, 36 है. आप देख लीजिए टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, 36 है. टोटल सैंपल स्पेस कितने बेटा, 36 है. टोटल सैंपल स्पेस कितने बेटा, 36 है. टोटल सैंपल स्पेस 36 है. ओके तो यहां पे आप एक बार देख लीजिए सारी एनालिसिस करके, ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. जैसे अगर हमारा कोई डाइस थ्रो किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी डाइस, एग्जामिनर ऐसा भी बोल सकता है कि डाइस थ्रो किया जा रहा है और डाइस थ्रो करने पे, डाइस थ्रो कर रहे हैं तो दोनों डाइस पे सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है, दो डाइस को क्या किया जा रहा है बेटा, थ्रो किया जा रहा है, दोनों डाइस पे क्या सेम नंबर आने की, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो देखिए टोटल आउटकम यहाँ पे 36 है बेटा, टोटल आउटकम 36 है. टोटल आप देख लीजिए 36, और ये वाले लाइन देखिए, दिस वन, ये वाला जो डायगोनल में है, क्या सेम टाइप के आउटकम है. तो टोटल पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम आपके कितने हो गए बेटा, 6 हो गए.
सिक्स अपॉन 36 करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 1/6। इसको आप अच्छे से देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, सैंपल स्पेस और पेयर ऑफ डाइस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है टीसीएस का। थ्री फेयर क्वाइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू टेल। थ्री फेयर क्वाइन आर टॉस, क्वेश्चन है थ्री फेयर क्वाइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू टेल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू टेल। सभी लोग ट्राई करेंगे बेटा इस प्रॉब्लम को, सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सभी लोग ट्राई करिए बेटा, व्हाट इज द आंसर इन दिस केस। रिप्लाई थोड़ा सा फास्ट करेंगे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर्स भी आ रहे हैं, वेरी गुड, अभी मैच कर लेंगे व्हाट इज द आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के, आप सभी लोगों ने आंसर रिप्लाई किया है, बहुत अच्छा बेटा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, गेटिंग एट लीस्ट टू टेल, गेटिंग एट लीस्ट टू टेल। थ्री फेयर क्वाइन टॉस, दो तीन फेयर क्वाइन टॉस किए जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। एक क्वाइन को टॉस करते हैं क्या आता है, हेड आता है या टेल आता है, ठीक है। एक क्वाइन को आप टॉस करते हैं क्या आता है, हेड आता है या टेल आता है। ऐसे ही तीन क्वाइन अगर आप टॉस करेंगे, कितने क्वाइन टॉस करेंगे एक साथ, तीन क्वाइन टॉस करेंगे तो जो टोटल आउटकम होगा वो कितना आएगा, क्या वो एट आएगा बेटा, तीन क्वाइन वो एट आएगा या नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, हेड आ गया यहाँ भी, हेड आ गया यहाँ भी, हेड आ गया, दिस इज द फर्स्ट आउटकम। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है, हेड हेड टेल। तीसरा आउटकम हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, और यहाँ पे अगर हम टेल ले लें, हेड ले लें, हेड ले लें, देखते जाइएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे टेल ले लें, हेड ले लें, टेल ले लें, या टेल टेल हेड ले लें, और एक लास्ट वन बचा है जिसमें तीनों में क्या आ जाएगा, आप काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए बेटा, एट। टोटल आउटकम कितने आ गए बेटा, एट आ गए। और आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट क्या चाहिए बेटा, टू टेल। तो अब देखिए दो टेल वाला भी कंसीडर करेंगे, दिस वन इसमें दो टेल है बेटा, और थ्री वाला भी कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे थ्री। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम हो गया, फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, हेड टेल टेल एंड टेल हेड टेल और टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए बेटा, फोर। 1 2 3 4, कितने हो गए, फोर। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा रहा है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फेवरेबल कितना है, फोर, और टोटल कितना है बेटा, एक। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1/2, ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। और आप खुद चेक कर लीजिए कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था। पंखुड़ी गर्ग का केवल आंसर करेक्ट था, शिवानी सिंह का आंसर करेक्ट था, और भी एक दो बच्चों का आंसर करेक्ट था, क्योंकि फ्लक्चुएशन थोड़ा सा फास्ट है इसलिए हम नेम नहीं बता सकते सभी के। तो चलिए बहुत गुड, वेरी गुड शिवानी, इन्होंने सॉल्व करके भी पूरा भेजा है, वेरी गुड शिवानी। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं। ये हमने एक्सप्लेनेशन दिया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, ये आपके रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, कहते हैं टू डाइस, यहाँ पे टू डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज, पहला क्वेश्चन है इक्वल टू वन, इक्वल टू फोर, ग्रेटर देन फोर। 1/1 आंसर बताएंगे, 1 2 3, 1/1 आंसर बताइए, फटाफट आंसर रिप्लाई करिए। इक्वल टू वन, इक्वल टू वन क्या आ सकता है, ऐसा कोई पॉसिबल केसेस है बेटा, क्योंकि अगर आप दो डाइस रोल करेंगे तो उन दोनों का सम मिनिमम टू आएगा, वन तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इवन नॉट टू हैपन, इवन नॉट टू हैपन, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, जीरो आ गई, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, जीरो आ गई। इक्वल टू फोर का बताइए, इक्वल टू फोर का सभी लोग रिप्लाई करिए बेटा, इक्वल टू फोर, इक्वल टू फोर का फटाफट रिप्लाई, वेरी गुड। ये कौन है भाई, शुभम शर्मा करेक्ट है बेटा, शुभम शर्मा करेक्ट,
ऋषभ विक्रम सिंह करेक्ट है, इक्वल टू फोर की हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे बेटा, इक्वल टू फोर। इक्वल टू फोर में देखिए, ये पहले वाले डाइस पे वन आ जाए, दूसरे वाले पे थ्री आ जाए, ध्यान से देखिएगा, दूसरे पहले और दूसरे वाले पे दोनों पे क्या आ जाए, टू टू आ जाए, और क्या हम कर सकते हैं क्या, थ्री एंड वन, यही पॉसिबल आउटकम होंगे बेटा इक्वल टू फोर आने का। तो दिस इज इक्वल टू थ्री, और टोटल आउटकम कितना है बेटा, 36, कितना आ जाएगा, 1/12। डन। ग्रेटर देन एट, फटाक से बताइए, ग्रेटर देन एट, ग्रेटर देन एट, ये आप सभी लोग बताएंगे फटाफट आंसर। अग्रज शर्मा रॉन्ग आंसर है, ये प्रोबेबिलिटी है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, जल्दबाजी में सॉल्व करने पे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ख्याति वरदान रॉन्ग आंसर है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से, ग्रेटर देन एट, ग्रेटर देन एट। चलिए, किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आया है, चलिए यहाँ पे मूव करते हैं, प्रीवियस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन एट वाला, देखिए ग्रेटर देन एट, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ग्रेटर देन एट की बात कर रहा है, ये आप ले लीजिए पूरा, ग्रेटर देन एट है बेटा इसमें, चेक कर लीजिए, सभी लोग चेक करिए, क्या ग्रेटर देन एट ही पूछा था ना, देख लीजिए। अच्छा यहां पे आ जाइए, ग्रेटर देन एट। अब देखिए यहां पे जो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा उसे नहीं काउंट करेंगे, जो कॉमन होगा उसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, कॉमन नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ग्रेटर देन एट में ये आ जाएगा बेटा, यस, ग्रेटर देन एट में ये आ गया, यस, बस इसके अलावा और कोई भी नहीं है, तो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल फेवरेबल आउटकम कितना है बेटा, 10 है, टोटल फेवरेबल आउटकम कितना है, 10 है बेटा, जब टोटल फेवरेबल आउटकम 10 है, और टोटल आउटकम कितना है, 10/36, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये आप लिख सकते हैं 5/18, जो कि मानसवी गर्ग और नेहा शर्मा, नेहा शर्मा एंड अभिनव कुमार, कुलदीप सिंह, शिवानी सिंह और सरफराज, इतने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था, क्या आंसर आएगा, 5/18 या 10/36, क्या आंसर आएगा, 5/18, देख लीजिए, 5/18, या आप बोल सकते हैं 10/36, क्लियर, ग्रेटर देन एट बोला था, ग्रेटर देन एट था, इसीलिए कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैट में पूछा गया है, इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन देम इज एटलीस्ट 10 इज, एटलीस्ट 10, फटाफट आंसर बताइए, देखते हैं कौन बताएगा भाई फटाफट आंसर, एटलीस्ट 10। शुभम शर्मा इस क्वेश्चन में सीख लेना बेटा, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, ये आपको सॉल्व करना है, यहां पे जब एक्सप्लेनेशन देंगे तो समझ जाएंगे आप। इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी, देखिए यहां पे आंसर भी आ गया, नेहा शर्मा, वेरी गुड नेहा, साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन देम इज एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10, अर्पित शर्मा का रॉन्ग है, मानसी गर्ग करेक्ट है बेटा, मानसवी गर्ग एंड मानसी गर्ग दोनों बच्चों का करेक्ट है भाई, वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत अच्छा, शिवानी सिंह करेक्ट, वेदांत करेक्ट है भाई, अब आंसर लोगों ने करेक्ट देना स्टार्ट कर दिया, शुभम शर्मा, ऋषभ विक्रम सिंह, शालिनी कुशवाहा, चलिए इतने बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया। क्या कहता है, टोटल आउटकम कितना है, 36 है, टोटल 36 है बेटा, इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो डाइस को थ्रो किया जाएगा तो पहले में 6 आउटकम, दूसरे में 6, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया, 36 डाइस को थ्रो किया गया, क्लियर, अब ध्यान से देखिए, एटलीस्ट 10, तो सबसे पहले 10 का देखते हैं, पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, पहले में 5 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, पहले में 4 आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए, 6 आ जाए, पहले में 4 आ जाए, दूसरे में क्या आ जाए, 6 आ जाए, तो ये पॉसिबल होगा 10 के, 10 से ग्रेटर पे चलते हैं, 6.5 11 हो गया, 5.6 ये भी 11 है, और लास्ट वन क्या बच्चा, 6.6 12 वाला, तो अब पॉसिबल फेवरेबल आउटकम 6, तो आंसर कितना आएगा, 1/6, प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा बेटा, 1/6, प्रोबेबिलिटी यहां पे कितना आ जाएगा, 1/6,
चलिए बहुत अच्छा, अभिनव कुमार, अंकिता श्रीवास्तव, बहुत बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, चेतन करेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सभी को कार्ड, कुछ लोग खेलते होंगे कुछ लोग नहीं भी खेलते होंगे, ये अच्छे स्टूडेंट है पढ़ने वाले तो नहीं खेलते होंगे, तो बेटर। लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोबेबिलिटी में क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल पैक ऑफ कार्ड की अगर हम बात करें तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। वो 13 13 कार्ड होते हैं। आप देखिए इसको आप लोग क्लब बोलते हैं, अगर इंग्लिश की बात करें तो दिस इज नोन एज क्लब, और हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं, बट हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश में ही आएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, हुकुम बोलते हो आप लोग, दिस वन इज हर्ट, अरे बोलो भाई, दिस वन इज डायमंड। कुछ कुछ बच्चे तो होंगे ना जिन्हें आता होगा, या किसी को भी नहीं आता, कोई बताना ही नहीं चाह रहा है। दिस वन इज नोन एज स्पेड, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा, स्पेड। दिस इज नोन एज स्पेड, दिस वन इज नोन एज क्लब, दिस वन इज नोन एज हर्ट, दिस वन इज नोन एज डायमंड। तो फोर टाइप के कार्ड्स हैं। ए ए ये ए जो है ये वन नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, एस पढ़ते हैं, इक्का, क्या बोलते हैं हिंदी में इक्का, दिस वन इज नोन एज एस। तो यहाँ पे क्या है, 2 3 4, ये कहाँ तक जाता है, 10 तक जाता है, इसके बाद जे आता है, क्यू आता है, के आता है। सिमिलरली ऐसे ही दो टाइप के कलर होते हैं, दो कार्ड ब्लैक कलर के होते हैं, जैसा कि आपको शो हो रहा है ये ब्लैक ब्लैक कलर के हैं, और ये दो क्या होते हैं बेटा, रेड रेड कलर के होते हैं, ठीक है। अब देखिए 52 कार्ड, टोटल कार्ड कितने हैं, 52, फोर टाइप के होते हैं बेटा, 13 कार्ड पर सूट, हर टाइप में कितने कार्ड होते हैं, 13, एस से लेके 10 तक, 1, दैट मीन्स 1 को एस बोलते हैं और 10 तक होता है, इसके बाद जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। दिस इज नोन एज फेस कार्ड, दिस वन इज नोन एज फेस कार्ड, क्लियर। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इसको हम लोग एस बोलते हैं, इसको 2 3 4 5, यहाँ तक जाओगे 10, इसको जे क्यों, रानी आ गई तो राजा भी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो टोटल कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में 26 26 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होता है। अब इस 26 में अब अलग अगेन डिवाइड किया गया, 13 फॉर ईच वन, 13 में क्लब, क्लब के 13 होते हैं, स्पेड के 13 होते हैं, हट के 13 होते हैं, और डायमंड के भी 13 होते हैं। क्लब दैट मीन्स ये चिड़ी, और ये हुकुम बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पान, और इसको क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिमेंबर रखो, इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, क्लब। जो बच्चे कभी नहीं खेले हैं, कभी पत्तों को देखे नहीं है, उनके लिए ये स्लाइड है, उन्हीं के लिए ये स्लाइड है बेटा। ये आप एक बार ना स्क्रीनशॉट इसका ले लो, इस स्लाइड का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा बेटा यहां से, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज जो भी हमारा है, दिस इज नोन एज क्लब, स्पेड, हर्ट एंड डायमंड। चलिए मूव करते हैं बेटा, पहला ही क्वेश्चन है इस पे, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। टू कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52, व्हाट इज द चांस दैट फर्स्ट इज किंग, पहला क्या हो, किंग हो, और सेकेंड इन क्वीन इफ द कार्ड इज नॉट रिप्लेस, अगर कार्ड को रिप्लेस नहीं किया जाता, कार्ड को रिप्लेस नहीं किया जा रहा। टू कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द चांस दैट फर्स्ट इज किंग एंड सेकेंड इन क्वीन इफ द कार्ड इज नॉट रिप्लेस, अगर कार्ड को रिप्लेस नहीं किया जा रहा। तो आप बताइए, यहां पे चलते हैं प्रीवियस पे, किंग कितने हैं यहाँ पे, टोटल किंग कितने, आप देखिए एक स्पेड का हो गया, क्लब का हो गया, एक स्पेड का हो गया, एक हर्ट का हो गया, और एक किसका है, डायमंड का। तो अगर चार राजा है तो रानी भी कितनी है, फोर है, क्वीन भी कितनी है बेटा, यहाँ पे फोर गिवन है। तो आप बताइए, सबसे पहला जो आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट वन जो आपको सेलेक्ट करना है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट वन जो आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा सेलेक्ट करना है बेटा, फर्स्ट वन। तो हमारे पास व्हाट इज द फर्स्ट इज किंग, किंग सेलेक्ट करना है, टोटल किंग कितने हैं, फोर है, उनमें से एक सेलेक्ट करना है, फोर सी वन, और टोटल कार्ड कितने हैं, 52 C1। अच्छा, कार्ड यहां पे रिप्लेस हो रहा है, नॉट रिप्लेस हो रहा है, तो जब आप दूसरा सेलेक्ट करने जाओगे तो उसमें कितना बचेगा, 51 C1, उसमें से एक सेलेक्ट करोगे, क्योंकि रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, जो कार्ड एक बार निकल गया वो दोबारा उसमें नहीं रख रहे हैं। और यहाँ पे रानी क्वीन कितनी है, फोर है, 4 C1। तो दिस इज द फेवरेबल केस, ये आपका फेवरेबल हो गया, और ये टोटल, तो आप सॉल्व करते हो कितना आता है, 4/6 60, कौन सा ऑप्शन सही है, बी।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। जितने लोगों ने बी ऑप्शन दिया था, वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आप देख लो कितना सिंपल तरीके से वन बाई वन निकाला गया। पहले आपने चार, आपके पास क्या थे, किंग थे, एक सेलेक्ट कर लिया आपने। फिर फोर क्वीन थी आपके पास, उसमें से एक सेलेक्ट कर लिया आपने। टोटल आपके पास 52 थे, 52 सी वन। अब ये कार्ड इसमें रिप्लेस नहीं किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे 51 सी वन हो गया। तो 4/6 60, 4/6 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम फ्रॉम यूपीएससी, अच्छा क्वेश्चन है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड बीइंग ए स्पेड एंड द सेकेंड ब्लैक किंग इज, अच्छा क्वेश्चन है, गुड प्रॉब्लम। चलिए मैं देखता हूँ, वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, प्लीज सभी लोग ट्राई करेंगे। फोर ऑप्शन गिवन है। टू कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड बीइंग स्पेड, स्पेड मतलब आपका वही हुकुम, काला पान वाला। तो इसके 13 कार्ड होते हैं, कितने होते हैं बेटा, 13। पंखुड़ी गर्ग करेक्ट आंसर है, शुभम शर्मा करेक्ट आंसर है, जैनेन्द्र यादव करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए, यहां पे सबसे पहले स्पेड आपके पास अवेलेबल है, ये देख लो बेटा। यहां पे मिस्टेक करते हैं, करेक्ट ऑप्शन बी है, बट पेटेंट रॉन्ग आंसर है डी। मोस्ट ऑफ द बच्चों का डी आता है, जबकि करेक्ट है बी। देखो इधर, वही आपको सीखना है कि डी ऑप्शन रॉन्ग क्यों हो रहा है। कई सारे बच्चों के ऑप्शन डी आते हैं यहां पे। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, स्पेड के कितने कार्ड होते हैं, 13। क्या किया आपने, 13C1 से एक कार्ड निकाला स्पेड का। दूसरा, ब्लैक किंग कितने होते हैं, दो होते हैं, दो में से आपको कितना चाहिए, वन। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी तो बेटा ये भी होगा ना, सपोज जब आप 13 में से ब्लैक किंग निकाले, जब स्पेड आपने निकाला, यहां से क्या आ गया, ब्लैक वाला किंग आ गया, स्पेड वाला किंग आ गया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और जब ये ब्लैक किंग आ जाएगा और यहां पे भी आप ब्लैक किंग निकाल रहे हैं, तो दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए वहां पे एक माइनस करेगा। ये बोथ पॉसिबल नहीं है, एक साथ दोनों नहीं हो सकता। जब यहाँ पे ब्लैक किंग निकल गया है, तो यहाँ पे भी ब्लैक किंग थोड़ी आएगा, ब्लैक किंग एक ही है, स्पेड वाला किंग यहाँ पे आ चुका है, तो वो स्पेड वाला किंग यहाँ पे नहीं आएगा, एक ही है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वन क्या करना है, माइनस करना है, बस यही इंपॉर्टेंट था, दिस इज द इंपॉर्टेंट। बाकी यहाँ पे क्या, 52 कार्ड थे, 52C1 × 51C, तो सॉल्व करिए कितना आता है, 25/2652। क्लियर एवरीवन, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले बेटा, ये अच्छा प्रॉब्लम है, गुड प्रॉब्लम। यहाँ पे बच्चा डी ऑप्शन टिक करके आ जाता है। आप देख लीजिए, कई सारे बच्चों ने आंसर भी दिया ऑप्शन डी, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पीक 60%, ए स्पीक ट्रूथ इन 60% केसेस एंड बी इन 75% केसेस, व्हाइल स्टेटिंग ए सेम फैक्ट इन आइदर यस और नो ऑनली, आइदर यस और नो ऑनली, दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट इन वॉट परसेंट केसेस। ए स्पीक ट्रूथ इन 60% केसेस एंड बी इन 75% केसेस वाइल स्टेटिंग ए सेम फैक्ट इन आइदर यस और नो ओनली, आइदर यस और नो ओनली, दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट इन वॉट परसेंट केसेस, दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट इन वॉट परसेंट केसेस। चलिए देखिए, यहाँ पे ए को सत्य बोलने का, ए क्या बोल रहा है, ट्रुथ बोल रहा है, कितने परसेंट, 60 परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, 60/100 कर दो, परसेंटेज में फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 3/5 आ गया। चलो ए असत्य बोलेगा कितने परसेंट केसेस में, मतलब एक ट्रुथ बोल रहा है तो लाइक कितने परसेंट केसेस में, 40% में बोलेगा ना बेटा, तो 40% के केस में क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, या 1-3/5 करेंगे, 1-3/5 तो कितना आएगा, 2/5।
अच्छा बी के बारे में देखते हैं, बी 75% में बोल रहा है, तो 75/100 कितना आ गया, 3/4। तो कितने केसेस में असत्य बोलेगा, तो 1/4। अब यहाँ पे देखिए, तो पी ए दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सत्य बोले और बी क्या बोल दे बेटा, असत्य बोले, तभी तो कॉन्ट्रेडिक्ट होगा। आपस में कॉन्ट्रेडिक्ट कब होगा, एक सत्य बोल रहा हो दूसरा असत्य बोल रहा हो। दूसरा केस, अगर ए लाइक कर रहा है झूठ बोल रहा है और बी क्या बोले, सत्य बोल रहे, तभी तो कॉन्ट्रेडिक्ट होगा। इसकी भी प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसकी भी गिवन है, इसकी भी गिवन है, सारा वैल्यू गिवन है। देखो हमने कैलकुलेट कर रखा है, ए के सत्य बोलने की 3/5, बी के झूठ बोलने की 1/4, प्लस ए का झूठ बोलने का 2/5, बी का सत्य बोलने का 3/4। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाता है बेटा, 9/20। और यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करिए, 100 का, तो दिस इज इक्वल टू 45%, दिस इज इक्वल टू 45%। वैल्यू यहाँ पे परसेंटेज में पूछा गया था, 45%। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी लिखा, ए को सत्य बोलने का 3/5 असत्य, ए बार हमने ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार 2/5, यहाँ पे आई थिंक बार लगाना भूल गया था। तो इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 45%। ये बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है, देख लो, अगर इसमें कोई डाउट हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिस वन इज गुड प्रॉब्लम, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। ए स्पीक ट्रुथ 60% केसेस, 60% केसेस में ए सत्य बोलता है, बी 75 75% केसेस में बी सत्य बोल रहा है, दैट मीन्स ट्रुथ बोलता है। व्हाइल स्टेटिंग ए सेम फैक्ट इन आइदर यस और नो ओनली, दे आर लाइकली टू कॉन्ट्रडिक्ट इन व्हाट परसेंट केसेस, आंसर कितना आ गया, 45% इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा, क्वेश्चन 2017 का है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए कपल हैज टू चिल्ड्रेन, ए कपल हैज टू चिल्ड्रेन, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज इफ द ओल्डर वन इज ए बॉय इज, ए कपल हैज टू चिल्ड्रेन, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज इफ द ओल्डर वन इज ए बॉय इज। तो सेकेंड वन जो होगा बेटा, उसके लिए सैंपल स्पेस अगर देखा जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, गर्ल्स एंड बॉय दोनों हो सकते हैं बेटा, गर्ल एंड बॉय बोथ पॉसिबिलिटी है, बोलो भाई। तो उसे चाहिए क्या प्रोबेबिलिटी, बॉय चाहिए, तो फेवरेबल केस वन, टोटल केस कितना, 1/2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। इतना सिंपल क्वेश्चन, मिस्टेक, ऑप्शन सी। देख लीजिए, ए कपल टू चिल्ड्रेन, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज, दोनों चिल्ड्रेन क्या बॉय होने चाहिए, इफ द ओल्डर वन, ओल्डर वन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, क्वेश्चन का लेवल ही खत्म हो गया यहाँ पे, ओल्डर वन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया बॉय है, तो सेकेंड की पॉसिबिलिटी क्या, या तो बॉय होगा या तो गर्ल, तो आपको चाहिए क्या, बॉय चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगा, दैट मीन्स टोटल 2, 1/2, ये 2017 में डे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए मैन एंड हिज वाइफ अपियर इन एन इंटरव्यू फॉर टू वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट, ए मैन एंड हिज वाइफ अपियर इन एन इंटरव्यू फॉर टू वैकेंसी इन द सेम पोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सेलेक्शन 1/7 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सेलेक्शन 1/5, मतलब वाइफ के सेलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, देख लो यहाँ पे, हस्बैंड के सिलेक्शन होने का चांसेस 1/7 है और वाइफ का कितना बेटा, 1/5 है। क्वेश्चन, व्हाट इज द एश्योरेंस दैट ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, कोई एक सेलेक्ट हो जाए, दोनों सेलेक्ट हो जाए बहुत तो अच्छी बात है, कोई भी सेलेक्ट ना हो और अच्छी बात है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ए मैन एंड हिज वाइफ अपियर इन एन इंटरव्यू फॉर टू वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सेलेक्शन इज 1/7 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ सेलेक्शन इज 1/5। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एश्योरेंस दैट ओनली वन ऑफ देम सेलेक्टेड, देखिए हस्बैंड का सिलेक्शन का चांस कितना बेटा, 1/7 कम है, किसके सिलेक्शन से, वाइफ के, हस्बैंड के सेलेक्ट ना होने के चांस क्या आ जाएगा, क्या हम 6/7 लिख सकते हैं बेटा, 1 से माइनस कर दो, वाइफ को सेलेक्ट होने के चांसेस 1/5, वाइफ को सेलेक्ट ना होने के चांसेस कितना आ जाएगा, 4/5,
यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द एश्योरेंस दैट ओनली वन ऑफ देम सेलेक्टेड, कोई एक सेलेक्ट। चलिए देखिए इधर, मान लेते हैं कौन सेलेक्ट हो गया, हस्बैंड सेलेक्ट हो गया और वाइफ सेलेक्ट नहीं हुई। बताओ कौन ज्यादा दुखी है यहाँ पे, हस्बैंड सेलेक्ट हो गया और वाइफ सेलेक्ट नहीं हुई, सबसे ज्यादा दुखी कौन है, हस्बैंड या वाइफ, जल्दी बताओ। हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया और वाइफ का सिलेक्शन नहीं हुआ, जल्दी बताइए कौन ज्यादा दुखी है। सेकंड केस, वाइफ का सिलेक्शन हो जाए, देखिए मतलब लोग लिख भी रहे हैं कि दुखी कौन है, हस्बैंड ही है। वाइफ का सिलेक्शन हो जाए और हस्बैंड का सिलेक्शन ना हो, अब कौन दुखी है, कौन दुखी है भाई, वाइफ का सिलेक्शन हो जाए और हस्बैंड का सिलेक्शन ना हो। मतलब बोथ केसेस में लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि हर बार हस्बैंड ही दुखी होगा, हर बार कौन दुखी हो रहा है, हस्बैंड दुखी हो रहा है। तो दैट मीन्स ध्यान से देखिए, अभी मैं बताता हूँ एग्जैक्टली, हस्बैंड को सेलेक्ट होने की प्रॉबिलिटी 1/7 है, वाइफ का सिलेक्शन नहीं होगा उसकी प्रॉबिलिटी कितना है, 4/5, प्लस वाइफ को सेलेक्ट होने की प्रॉबिलिटी कितना है, 1/5 है, और हस्बैंड को सेलेक्ट ना होने की प्रॉबिलिटी कितना है, 6/7। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 10/35। अब एक स्टूडेंट कहता है कि सर अगर हस्बैंड सेलेक्ट हो गया तो वो खुश होगा ना, नहीं भाई वो खुश नहीं होगा। देखिएगा समझिएगा ध्यान से, उसके पास उसके फ्रेंड का फोन आता है, हस्बैंड के पास उसका दोस्त फोन करता है तो पूछता है कि और क्या हाल चाल है, तो कहता है कि नहीं नहीं आज यार बहुत दुखी हूँ। पूछता है क्या रीजन हो गया, कहता है कि जो आपकी भाभी थी ना आज इंटरव्यू हुआ, हम दोनों लोग उसी सेम पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे और दोनों का इंटरव्यू आज ही था, मेरा सिलेक्शन हो गया बट इनका सिलेक्शन वाइफ का नहीं हुआ, तो कौन दुखी, हस्बैंड। अच्छा अपोजिट केस में आ जाइए, इन दिस केस इनके पास किसका फोन आता है, इनकी फ्रेंड का फोन आता है, और इसके बाद देखिए इनका रिप्लाई करने का अंदाज देखिए, अगर कॉल आया तो रिप्लाई कैसे हो रहा है। चलिए इसके बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, जितने लोग समझ रहे थे वो समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सेकंड वाला, सेकंड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि नींद आ रहा होगा, तो नींद आप लोगों का ओपन हो गया होगा, मतलब आंखें खुल गई होंगी, तो प्लीज थोड़ा सा ना लंच, अगर मेरा लेक्चर होता है ना तो लंच ना थोड़ा सा नॉर्मल किया करो, ज्यादा सा नहीं खाना होता है, आराम से खा के इंजॉय करो, क्लास होने वाली है 2:10 में, ठीक है। बोथ का सिलेक्शन, दोनों का अगर सिलेक्शन होगा, दोनों का सिलेक्शन, तो देखिए बहुत ही सिंपल, अब हस्बैंड का भी सिलेक्शन हो रहा है वाइफ का भी सिलेक्शन हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हस्बैंड के सिलेक्शन का 1/7, वाइफ के सिलेक्शन का 1/5, सॉल्व करोगे 1/35। अब बताओ अब कौन दुखी है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का सिलेक्शन हो गया, कोई नहीं दुखी है, सब खुश है, बोलो भाई हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का सिलेक्शन हो गया, क्या प्रोबेबिलिटी आ गई, 1/35। किसी का भी सिलेक्शन ना हो, किसी का भी सिलेक्शन ना हो, मान लीजिए हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं हुआ, कितना है प्रोबेबिलिटी बेटा, 6/7, और वाइफ का सिलेक्शन ना हुआ वो भी 4/5, जब आप सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है, 24/35। अब कौन दुखी है, कोई दुखी नहीं है, कोई किसी को नहीं बोलेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया था आपका नहीं हुआ था, कोई एक दूसरे को कुछ नहीं बोलेंगे, तो कौन, सभी लोग खुश हैं। तो आंसर क्या आता है बेटा, फर्स्ट केस में कितना आंसर आता है, फर्स्ट केस में 10/35, सेकंड में 1/35, लास्ट वन में 24/35। आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने सॉल्व किया है क्या वो सब सही है या रॉन्ग है, क्योंकि तीनों का सम क्या आएगा, 10/35, सम करके देखिए प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा थोड़ी हो जाएगी, 1/35 प्लस 24/35, दिस इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यस। अगर 1 आ रहा है तो दैट मीन्स आपके सारे क्वेश्चन तीनों, तीन ही पॉसिबिलिटी थी, या तो किसी एक का सिलेक्शन हो, दोनों का सिलेक्शन हो जाए, किसी का सिलेक्शन ना हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन्स 8 white and 6 red balls, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 balls ऑफ द सेम कलर। फटाफट देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, एक बैग है जिसमें 8 white balls हैं, 6 red balls हैं, प्रोबेबिलिटी पूछा गया है 2 balls ऑफ द सेम कलर। आई थिंक ये सेम टाइप का क्वेश्चन आप एनसीटी में भी आया है, अभी एनसीटी में भी यही सेम टाइप का क्वेश्चन आया, मैंने पेपर आप लोगों को शेयर किया था, अभी 1 हफ्ते पहले पेपर हुआ है उसका,
जल्दी जल्दी आंसर अगर कोई बच्चा बता रहा है फटाफट। सेम कलर होने का बेटा, सेम कलर होने का। वेरी गुड, करेक्ट आंसर आ गया भाई, अर्पित शर्मा। अर्पित शर्मा सेम कलर, शिवानी सिंह करेक्ट, वेरी नाइस। देखिए या तो व्हाइट होगा तो व्हाइट को सिलेक्शन 8C2, दो निकाल रहे हैं ना, टू बॉल, यस टू निकाला। या रेड आप निकालिए वो रेड का होगा 6C2, 8C2 या 6C2। और टोटल बॉल कितने, अगर आप यहाँ पे देखें 14 है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 14C14C2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 43/91। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, 43/91 इज द करेक्ट आंसर। 43/91 इज द करेक्ट आंसर। ए बैग कंटेन्स 8 white and 6 red balls, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू बॉल ऑफ द सेम कलर, टू बॉल ऑफ द सेम कलर। ऑप्शन कौन सा मैच कर गया 43/90। पढ़िए क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स 5 red and 10 black balls, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल ड्रॉन 1 black and 1 red इज। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे सभी लोग, सभी लोग इसका रिप्लाई करेंगे बेटा, एवरीवन बेटा फास्ट रिप्लाई। ए बैग कंटेन्स 5 red and 10 black balls, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल्स ड्रॉन 1 black and 1 red इज, 1 black and 1 red इज। ए बैग कंटेन्स 5 red and 10 black balls, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल्स ड्रॉन 1 black and 1 red इज। ए बैग कंटेन्स 5 red and 10 black balls, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल ड्रॉन 1 black and 1 red इज। ए बैग कंटेन्स 5 red and 10 black balls, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल ड्रॉन 1 black and 1 red इज। फटाफट रिप्लाई करो भाई। चलिए आंसर कितना आ गया, 10/21, आंसर इज 10/21। आंसर कितना आ गया बेटा, 10/21। जितने बच्चों ने 10/21 रिप्लाई दिया, करेक्ट है, 10/21 इज द करेक्ट आंसर। देखिए 5 red है, कितने हैं बेटा 5 red, यहां ध्यान से देखिए 5 red है और कितने 10 black है, 5 red and 10 black, तो एक ब्लैक होना चाहिए, तो 10C1 × 5C1, और टोटल कितने 15, टोटल बॉल कितने निकल रहा है 15C2। जब आप सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 10/21 इज द करेक्ट आंसर, 10/21 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग ए टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इज, अगेंस्ट पाकिस्तान इज 0.5%, इक्वल अपॉर्चुनिटी, कोई भी पार्शियलिटी नहीं किया जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। अज्यूमिंग इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट ऑफ द वेरियस मैचेस, द चांस दैट इन ए 5-match सीरीज इंडिया सेकेंड विन अकर एट थर्ड टेस्ट इज।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग ए टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इज, लोग कह रहे हैं सर 1 होगा, पाकिस्तान से तो हम टेस्ट मैच जीतते ही जीतते हैं, बट ये क्वेश्चन है बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग ए टेस्ट मैच अगेंस्ट पाकिस्तान इज 0.5, अज्यूमिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ वेरियस मैचेस, द चांसेस दैट इन ए 5 मैच सीरीज इंडिया सेकेंड विन आकर एट थर्ड टेस्ट इज, मतलब तीसरे टेस्ट तक, तीसरे टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो उसमें एक मैच इंडिया हारेगा जरूर, क्योंकि जो सेकेंड विन उसका हो रहा है वो किस में हो रहा है, थर्ड में हो रहा है। सेकेंड विन किस में होगा, थर्ड मैच में होगा। जल्दी जल्दी बताइए आंसर। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। शुभम शर्मा करेक्ट है, जनेंद्र यादव करेक्ट है, वेदांत रॉन्ग आंसर है भाई, अर्पित करेक्ट आंसर बेटा, मानसी गर्ग करेक्ट है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं इंडिया पहला मैच जीत जाता है, दूसरा हार जाता है, तीसरा जीत जाता है, तो क्या सेकेंड विन थर्ड मैच में आ रहा है या नहीं आ रहा है? दूसरा पॉसिबल केस क्या आ जाएगा, पहला ही मैच हार जाए फिर दूसरा जीत जाए तीसरा जीत जाए, तो जीतने की प्रॉबिलिटी वही है, हारने की भी प्रॉबिलिटी वही है। अब यहाँ पे और लगा है तो एडिशन साइन आएगा, 1/2, 1/2, 1/2, तो दिस इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, कितना आ गया बेटा 1/8। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देख लीजिए सिंपल तरीके से क्या हमने मेथड यहाँ पे यूज किया बेटा, हमने मेथड क्या यूज किया, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे जीत रहा है, ये हार रहा है, जीत जा रहा है, ये हार रहा है, यहाँ पे जीत रहा है, यहाँ पे जीत रहा है, ये 1/2, 1/2, 1/2, तो कितना आ गया 1/8, यहाँ पे 1/2, 1/2, 1/2, ये कितना आ गया 1/8, कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 1/4, करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन है, द प्रोबिलिटी दैट व्हेन 12 बॉल आर पुट इनटू 3 बॉक्सेस द फर्स्ट विल कंटेन 3 बॉल इज, द प्रोबिलिटी दैट व्हेन 12 बॉल्स आर पुट इनटू 3 बॉक्सेस द फर्स्ट विल कंटेन 3 बॉल इज। द प्रोबिलिटी दैट व्हेन 12 बॉल्स आर पुट इनटू 3 बॉक्सेस द फर्स्ट विल कंटेन 3 बॉल इज, कितने बॉक्सेस हैं बेटा, 3 बॉक्सेस, देख लीजिए यहां पे हाउ मेनी बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस। पहले बॉक्स में फर्स्ट में कितने बॉल डालना है, 3, टोटल अवेलेबल कितने 12, तो 12 से आप 3 बॉल लिए, कितने बॉल 3, यहां से 3 बॉल सेलेक्ट करने के मेथड क्या होंगे, 12C3 होगा बेटा, 12 बॉल में से 3 बॉल सेलेक्ट करने का, क्या 12C3 से इसे हम फिल कर सकते हैं? अब कितने बॉल बचे बेटा, 9 बॉल बचे। अब 9 बॉल में से एक बॉल आप लो, या तो आप इस बॉक्स में रखोगे या तो आप इस बॉक्स में रखोगे, तो दैट मीन्स जो 9th वाला बॉल है उसको पुट करने के मेथड कितने हैं, 2 है। बोलो भाई, ये 3 बॉल चला गया, इस 9 में से हमने एक बॉल लिया, उसको पुट करने के मेथड, तो टोटल ऐसे कितने बॉल है, 9 है, तो पुट करने के मेथड क्या, 9 पावर 2, सॉरी 1 को 2 है तो 9 के लिए 2 पावर 9 आएगा या नहीं आएगा, नहीं समझ आया, फिर से देखिए, टोटल 3 बॉक्सेस हैं बेटा, 3 बॉक्सेस, टोटल बॉल कितने हैं, 12, 12 में से पहले बॉक्स में हमें 3 बॉल पुट करना है, तो इस 12 में से 3 सेलेक्ट करेंगे, क्या मेथड होगा, 12C3। अब ये 12 नहीं रह गया, अब कितना रह गया, 9 रह गया, 9 बॉल है, मैं यहां पे बना देता हूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब एक बॉल हम ये सेलेक्ट किए, ये यहां पे भी जा सकता है, यहां पे भी जा सकता है, कितने मेथड है इसके, यहां पुट होने के 2, ये भी बॉल यहां पे जा सकते हैं, यहां पे जा सकते हैं, इसके भी 2, ये पावर करते जाएंगे तो ऐसे कितने बॉल है बेटा, 9 बॉल है, तो 2 के पावर 9 से फिल कर सकते हैं, 2 पावर 9 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ओके चलिए, अब इधर देखिए, अब टोटल मेथड ये 3 बॉल है, मतलब सॉरी टोटल ये 12 बॉल है, 12 बॉल, अब इनके पास टोटल, ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है, कितने मेथड, 3, तो टोटल 12 में तो कितना आ जाएगा, 3 पावर 12, तो आंसर क्या आएगा, 12C3
इंटू 2 पावर 9 डिवाइडेड बाई 3 पावर 12। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? दिस वन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन पढ़िए। नहीं, ये क्वेश्चन अभी ये नहीं करना है बेटा, ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, आप अभी नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। ए पर्स कंटेन्स 4 कॉपर क्वाइन एंड 3 सिल्वर क्वाइन। अनदर पर्स कंटेन्स 6 कॉपर क्वाइन एंड 2 सिल्वर क्वाइन। ए क्वाइन इज टेकन आउट फ्रॉम एनी पर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए कॉपर क्वाइन। देखिए एक चीज मैं बता दूं ना, यहाँ पे एमसीए में मुझे ये दिखा है कि यहाँ पे आज अटेंडेंस डिक्रीज हो गया, 92 पहुँच गया, लेकिन रियलिटी बताऊँ, जब मैं बीटेक में पढ़ाता हूँ ना, ये टॉपिक बीटेक में चलता है, अगर रेगुलर क्लास में 150 बच्चा आता है तो इसमें 200 आता है, इतना क्रेज है मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। ए पर्स कंटेन्स 4 कॉपर, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता है, वो समझने की कोशिश ही नहीं करते जिस लेवल का मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक बहुत अच्छा है। ए पर्स कंटेन्स 4 कॉपर क्वाइन एंड 3 सिल्वर क्वाइन। अनदर पर्स कंटेन 6 कॉपर क्वाइन एंड 2 सिल्वर क्वाइन। ए क्वाइन इज टेकन आउट फ्रॉम एनी पर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए कॉपर क्वाइन इज, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए कॉपर क्वाइन इज, बताइए। ए पर्स कंटेन 4 कॉपर क्वाइन एंड 3 सिल्वर क्वाइन। एक पर्स है बेटा, उसमें कितने कॉपर क्वाइन है? 4 कॉपर है और 3 सिल्वर है। दूसरा जो पर्स है, 6 कॉपर क्वाइन है और सिल्वर के 2 कॉइन, सिल्वर दैट मीन्स ए जी। अब देखिए, जब वो क्वाइन निकालेगा, टेकन आउट फ्रॉम एनी पर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए कॉपर क्वाइन, वो कॉपर क्वाइन होने की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले उसे पर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, पर्स। तो पर्स सेलेक्ट करने का कोई एक पर्स, टोटल मेथड कितना आ गया बेटा? 1/2। क्लियर? अब मान लीजिए अगर कॉपर कॉइन इसमें से आ गया तो क्या लिखेंगे? 4C1। टोटल कॉइन कितना है बेटा इसमें? 7C1 प्लस दूसरा कॉपर कॉइन, आप यहां से भी तो निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा? 6C1/8C1। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 37/56। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है 1/2, क्योंकि पर्स का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट था। आप पर्स 1 सेलेक्ट करेंगे या पर्स 2 सेलेक्ट करेंगे? पर्स 1 या 2 सेलेक्ट करने का उसका मेथड क्या आ गया? 1/2। ये इंपॉर्टेंट था, ये नहीं भूलना था। कितना आया? 37/56। 37/56। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नो द करेक्ट आंसर ऑफ टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज 2/3। इफ द स्टूडेंट डज नॉट नो द आंसर, द प्रोबेबिलिटी दैट द गेस आंसर बीइंग करेक्टेड इज 1/4। गिवन दैट द स्टूडेंट हैज आंसर्ड करेक्टली, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द करेक्ट आंसर इज, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नो द करेक्ट आंसर टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज 2/3। इफ द स्टूडेंट डज नॉट नो द आंसर, द प्रोबेबिलिटी दैट द गेस आंसर बीइंग करेक्टेड इज 1/4। गिवेन दैट द स्टूडेंट हैज आंसर करेक्टली, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नो द करेक्ट आंसर टू अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज, अच्छा ये बताओ आप लोगों को समझ आ रहा है कि कुछ ज्यादा ही चला गया आज? सीरियसली ध्यान से समझिएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नो द करेक्ट आंसर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज 2/3। 2/3। इफ द स्टूडेंट डज नॉट नो द आंसर, इफ द स्टूडेंट डज नॉट नो द आंसर, द प्रोबेबिलिटी दैट द गेस आंसर बीइंग करेक्टेड इज 1/4। गिवन दैट द स्टूडेंट हैज आंसर करेक्टली, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द करेक्ट आंसर इज, मैं आंसर इसका बता देता हूं कितना है, 8/9 करेक्ट आंसर है, बहुत सारे बच्चों ने दे भी दिया है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर स्टूडेंट को नो है आंसर, वो पता है उसकी प्रॉबिलिटी 2/3 है, इसका मतलब
जो 1/3 है वो अननोन वाला है, और अगर उसे नोन आंसर है तो ये करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1 होगी, क्योंकि उसको आंसर पता है वो तो करेक्ट होगा। लेकिन जो उसको पता नहीं है उसको करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4 होगा ना, क्योंकि 4 ऑप्शन है वो गेस करेगा, 1/4 ये एग्जामिनर ने दे रखा है। तो नोन कितने 2/3 और अननोन कितने 1/3। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या पूछा है, क्वेश्चन आप एग्जामिनर ने पूछा द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर नो का तो 2/3 × 1 बाई यूजिंग बायर्स थ्योरम, बाई यूजिंग बायर्स थ्योरम मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। देखिए बायर्स थ्योरम हम आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहे क्योंकि एप्टीट्यूड में बस उसका एप्लीकेशन है, थ्योरम नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नोन का कितना 2/3 × कितना करेंगे 1, 2/3 × 1, और टोटल कितना आ जाएगा डिवाइड करेंगे 2/3 × 1, 1/3 × 4, सॉल्व करके कितना आता है 8/9, कितना आ जाता है बेटा 8/9, क्लियर 8/9 इज द करेक्ट आंसर 8/9। तो चलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कल स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिर क्या करते हैं फिनिश करते हैं।